अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल शाइन एंड डाइन पर। आज हमारे किचन में फ्रूट ट्राइफल डिलाइट की रेसिपी बन रही है, बहुत मज़े की और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। चलें शुरू करते हैं फ्रूट ट्राइफल डिलाइट बनाना। इसके लिए मैंने 1 kg दूध लिया था और उसे मैंने बॉईल किया है। उसमें 1 कप रंगीन सेवइयों का शामिल किया और इसे पकाएंगे हम कुछ देर और इसमें फिर ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। मैंने रेजन्स ली हैं, ब्लैक रेजन्स मेरे पास थी, और बादाम, काजू, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कुछ देर पकाते हैं ताकि सेवइयां गल जाएं और दूध की क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाए। ये देखें सेवइयां गल गई हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और दूध की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर दूध में घोलकर इसमें शामिल कर दिया और इससे बहुत क्रीमी टेक्सचर आएगा और दूध गाढ़ा हो जाएगा। 1/2 cup मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर की क्वांटिटी हम कम रखेंगे क्योंकि इसमें फ्रेश फ्रूट शामिल होंगे। और ये देखें आप, यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें दूध की, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा और इसे हमने ठंडा करना है और फिर इसमें फ्रेश फ्रूट शामिल करेंगे। इसमें मैंने केला, सेब और आम लिए हैं, आप अपनी पसंद के फ्रूट ले सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी जेली को मैंने गार्निश किया है स्ट्रॉबेरी जेली से और आम से, और इस पर मैंने क्रिंकल स्प्रेड कर दिए हैं। देखें कितनी खूबसूरत कलरफुल रेसिपी है ये और बहुत ही टेम्प्टिंग है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा भी हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।